Hello students, I am Disha Bhavnani from Vedanta Educare. Today we are discussing the chapter that is the snake and the mirror from the book Beehive. It is the chapter of class 9th written by Vekam Muhammad Bashir. तो आज हम देखेंगे इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और डेप्थ में जाके हर वर्ड का मीनिंग समझते हुए आगे बढ़ेंगे. सो लेट अस टेक द चैप्टर. सो बिफोर रीडिंग द चैप्टर लेट अस सी द इंट्रोडक्शन. डू यू लाइक टू लुक एट योरसेल्फ इन द मिरर? क्या आपने अपने आप को कभी मिरर में देखा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम? जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो तो उस समय आप क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या आपने कभी इन जानवरों को मिरर में देखते हुए देखा है कभी? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? आप क्या सोचते हैं? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, अ स्नेक एंड अ मिरर. अब हम इस स्टोरी को देखते हैं जिसमें तीन कैरेक्टर्स हैं, डॉक्टर है, स्नेक है और मिरर है. नाउ द राइटर सेज इन द फर्स्ट पैरा, हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? क्या कभी कोई स्नेक आपकी बॉडी के पार्ट्स में कभी कॉइल हुआ है? कॉइल मीन्स हियर बिल्कुल ऐसे सर्कल हो जाना, इस तरीके से कॉइल. तो राइटर कहता है क्या आपकी बॉडी में कभी कोई स्नेक कॉइल हुआ है क्या? नाउ अ फुल ब्लडेड कोबरा, वो भी फुल ब्लडेड कोबरा, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब साइलेंट हो जाते हैं. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ये क्वेश्चन किस कौन बोलता है? एक होम्योपैथिक डॉक्टर बोलता है जिसके सामने तीन चार पेशेंट बैठे होते हैं. वो अपने पेशेंट से पूछता है क्या आपने कभी फुल ब्लडेड कोबरा को अपने किसी भी बॉडी के पार्ट में कॉइल होते हुए देखा है क्या? द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. ये टॉपिक कब हमारे सामने आया? जब मैं डॉक्टर और उसके पेशेंट साथ में डिस्कशन कर रहे थे स्नेक्स के बारे में. पता नहीं कैसे बात निकली और डिस्कशन चालू हुआ तो डॉक्टर ने अपने पेशेंट से ये क्वेश्चन पूछा. वी एंड लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद दिस टेक. हम यानी जो पेशेंट थे, तीन चार पेशेंट थे, वो आराम से अपनी उन डॉक्टर की बात को सुनने लगे क्योंकि डॉक्टर अपनी कहानी सुनाने लगे. नाउ इट वॉज अ हॉट समर नाइट. नाउ द डॉक्टर स्टार्टिंग हिज टेल, अपनी कहानी सुनाते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं जो इवेंट उनके साथ हुआ है. अबाउट 10 o'clock आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. डॉक्टर क्या कहते हैं, बहुत गर्मी की रात थी, 10 बज गए थे और मैं अपना खाना रेस्टोरेंट से खाकर घर पर अभी लौटा ही था, मतलब अपने रूम में, रूम जो कि उन्होंने रेंट पर लिया हुआ था उसमें लौटा ही था, तो मैं अभी घर आया ही था. आई हर्ड अ नॉइज फ्रॉम अबव, अचानक से मुझे ऊपर से आवाज आई. जैसे मैं अपने रूम के पास आया तो मुझे ऊपर से आवाज आई. एज आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला था, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन, लेकिन ये साउंड तो मेरे लिए फेमिलियर ही था, परिचित ही था क्योंकि रोज ही मुझे वो आवाजें सुनाई देती थी. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. हाँ, ये भी अपन कह सकते हैं, ये भी हर कोई कह सकता है कि मैं अपना रूम जो है रैट्स के साथ शेयर करता था क्योंकि मेरे रूम में रैट्स भी आराम से रहते थे, घूमते थे, उछलते थे, सब कुछ करते थे. आई टुक आउट माय बॉक्स ऑफ मैचेस, जैसे ही मैं रूम में एंटर हुआ तो मैंने मैच बॉक्स निकाला एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. और टेबल पर मेरा जो केरोसिन लैम्प यानी जो लैम्प पड़ा हुआ था उसको मैंने जलाया. नाउ द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड. अब अपन को फर्स्ट पैरा से ये पता पड़ जाता है कि डॉक्टर ज्यादा रिच नहीं था, ये मेडिकल प्रैक्टिस में ही था अभी, तो इतना ज्यादा इसकी कमाई नहीं थी. इन द सेकेंड पैरा ही सेज द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, उसका घर बिल्कुल भी इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, मतलब उसके घर में बिजली नहीं थी. इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, ये बिल्कुल एक छोटा सा रेंट का कमरा ही था. आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि वो मेडिकल प्रैक्टिस ही कर रहा था एंड माई अर्निंग्स वर मीगर. मीगर मीन्स हियर स्मॉल इन क्वांटिटी एज इट इज रिटन हियर. इस बहुत ही मीगर थी और उसकी अर्निंग कैसी थी, उसकी कमाई कैसी थी, बिल्कुल ही कम थी. आई हैड अबाउट 60 rupees इन माई सूटकेस. वो कहते हैं कि मेरा सूटकेस में कितने पैसे थे, सिर्फ 60 rupees ही थे, अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस, कुछ शर्ट्स थी, धोतीस थी. आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग. सॉलिटरी मीन्स हेयर ओनली वन, है ना. आई हैड ओनली वन कोट, मेरे पास सिर्फ एक ही कोट था जो कि मैं उस समय पहने हुए था, जब यानी ये अपने काम से वापस लौटा तो वो कोट उसने पहना ही हुआ था. क्या क्या था, कुछ धोतीस, कुछ शर्ट्स और 60 rupees इसके सूटकेस में थे और एक सिर्फ इसके पास कोट था जो कि उसने खुद पहने हुए था. नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट स्टेंजा. Now, in this para we see, I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up.
अब डॉक्टर क्या कहते हैं कि मैंने अपने कपड़े उतारे, ब्लैक कोट को उतारा, व्हाइट शर्ट को उतारा और व्हाइट वेस्ट को उतारा, जो इतनी साफ नहीं थी, मटमैली सी हो गई थी, है ना, थोड़ी सी क्रीमिश हो गई थी, और मैंने इन तीनों को अपने टांग दिया। आई ओपन द टू विंडोज इन द रूम, मैंने अपने कमरे की दो विंडोज को खोला। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। क्या कह रहे हैं डॉक्टर कि मैंने अपनी खिड़कियों को खोला, क्योंकि मेरी खिड़कियां कैसे थी, सामने आंगन की तरफ ही थी, तो खुला मैदान था, तो मैंने उनकी तरफ वाली खिड़कियों को खोला। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। देयर वॉज नो सीलिंग। नाउ ही इज टेलिंग अबाउट द रूम, कि रूम उनका कैसा था। गैबल्स, गैबल्स का मतलब ये पार्ट, यानी बीम के ऊपर का पार्ट जो होता है ना, बीम के ऊपर के पार्ट को गैबल कहते हैं। तो ये कह रहा है इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग, टाइल्ड रूफ थी, लॉन्ग सपोर्टिंग क्या थी, गैबल्स थी इसमें, ये सपोर्ट करने वाला गैबल था दैट रेस्टेड ऑन द बीम, और ये सब किस पे, बीम पर टिका हुआ था। ओवर द वॉल देयर वॉज नो सीलिंग, दैट मीन्स सीलिंग तो थी ही नहीं, कच्चा सा इसका रूम था, कच्ची छत थी। नाउ देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रो फ्रॉम द बीम। फ्रो क्या कह रहे हैं राइटर कि क्या था, डॉक्टर क्या कहने चाह रहे हैं कि रेगुलर ट्रैफिक, बहुत ज्यादा रैट्स मेरे कमरे में थे और वो यहाँ वहां घूमते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने अपना पलंग लगाया और उसको वॉल के पास लगा दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो गया, मैं लेट तो गया पर मुझे नींद नहीं आई। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा। नाउ द डॉक्टर सेज कि मैं बाहर चला गया वापस वेरेंडा में हवा के लिए, फॉर अ लिटिल एयर बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन उस समय वो कह रहे हैं कि हवा भी बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। इन द फोर्थ पैरा डॉक्टर सेज आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, मैं वापस से अपने कमरे में चला गया, क्योंकि हवा बाहर चल ही नहीं रही थी, तो मैं वापस अपने कमरे में लौट आया और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, मैंने टेबल के नीचे जो बॉक्स था उसको खोला एंड टुक आउट अ बुक, उसमें से एक बुक निकाली, द मटेरिया मेडिका, मतलब मेडिकल से रिलेटेड वो बुक थी, तो उसको निकाला। आई ओपन इट, मैंने उसको खोला, एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, मैंने उस टेबल पर उसको खोला और पढ़ने की शुरुआत की जहां पर लार्ज मिरर भी लगा हुआ था और वहां पे एक लैंप भी जो उसने अभी अभी जलाया था वो रखा हुआ था। अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर, एक छोटा सा कंघा भी वहीं पर पड़ा हुआ था। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर वेन इट इज नियर वन, कह रहे हैं डॉक्टर कि हर कोई, किसी को भी लालच आ जाएगी अगर किसी के सामने मिरर पड़ा हो तो अपन उसको, उन्हें देखने की अपने आप को कोशिश करेंगे ही। आई टुक अ लुक, इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, क्या कह रहे हैं, उस समय मैं यंग एज में था तो मेरी भी इच्छा हो गई, मैंने अपने आप को मिरर में देखा और क्या करने लगा, और अपने आप की तारीफ, अपनी ब्यूटी को एडमायर करने लगा, अपनी ब्यूटी को एडमायर करने लगा। आई वॉज अनमेरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर, चूंकि मैं अनमेरिड था और एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी लुक ऐसा बनाना ताकि हर कोई मुझे पहचान सके। आई पिक्ड अप द कॉम्ब एंड रेन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, अब वो कह रहे हैं कि मैंने हेयर्स में अपना पार्टीशन बनाया और कंघी करी। नाउ अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, अब वापस से वो डॉक्टर कहते हैं कि मुझे वापस से ऊपर से आवाज आई। नाउ इन द फिफ्थ पैरा डॉक्टर सेज आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, मैंने बिल्कुल पास से अपने आप को देखा मिरर में। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया उस दिन, आई वुड शेव डेली, कि मैं रोज शेव करूंगा एंड ग्रो अ थिन मस्टैच टू लुक मोर हैंडसम, और ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए मैं एक कैसी मुझसे मूछें उगाऊंगा, पतली सी मूछें भी उगाऊंगा। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं बैचलर हूँ एंड अ डॉक्टर, और डॉक्टर भी हूँ तो अलग से मेरी पहचान तो होनी ही चाहिए। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल, मैंने वापस अपने आप को मिरर में देखा और स्माइल करने लगा। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, बहुत ही अट्रैक्टिव करने वाली स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, मैंने बहुत दूसरा एक बहुत ही मजबूत डिसीजन लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं हमेशा ही
ऐसी स्माइल अपने फेस पर बनाए रखूंगा टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं और भी हैंडसम दिख सकूं। यानी डॉक्टर क्या कह रहा है, एक तो मैं पतली सी मूछें उगाऊंगा, प्लस क्या करूंगा, अपने फेस पर हमेशा ही स्माइल रखूंगा ताकि मैं ज्यादा हैंडसम दिख सकूं। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, आखिरकार मैं बैचलर हूं तो अट्रैक्टिव होने वाला तो होना ही चाहिए मुझे, एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और डॉक्टर भी हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उसके बाद में एक डॉक्टर भी हूँ। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबव, अब वापस से एक उसको ऊपर से आवाज सुनाई देती। आई गॉट अप पेस्ड अप एंड डाउन द रूम, मैं यहाँ वहां कमरे में चलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, अचानक से मेरे दिमाग में एक और भी प्यारा सा थॉट आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूंगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, मैं एक वुमन डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत रिच घर की हो वो, एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी हो। शी हैड टू बी फैट, लेकिन उसको फैट होना चाहिए, वो मोटी होनी चाहिए फॉर अ वैलिड रीजन, इसका भी कुछ रीजन है। क्या रीजन है, अब डॉक्टर क्या कहते हैं, इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, ताकि शादी के बाद अगर मैं कुछ मूर्खता वाली काम करूं, कुछ मिस्टेक करूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे दौड़ने की जरूरत पड़ जाए, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वो मेरे पीछे दौड़ ही ना पाए, मतलब इतनी हेल्दी हो वो कि वो मुझे मेरे पीछे दौड़ ही ना पाए। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, अब ऐसी थॉट्स मेरे माइंड में आ रही है तो मैंने क्या कर लिया, अपनी सीट को वापस अपनी सीट पर बैठ गया। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, कोई भी ऊपर से साउंड ही नहीं आ रहा था। सडनली देयर केम अ डल थड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू अ ग्राउंड, श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, वो कह रहे हैं कि लेकिन अचानक से थड की आवाज आई, धम्म की आवाज आई, और ऐसा लगा कोई रबर की ट्यूब है ना गिरी है। Even so, I thought I would turn around and take a look. मैंने सोचा कि मैं पीछे मुड़कर देखूं, मतलब वो पीछे मुड़ने ही वाला था और उस चीज को देखने ही वाला था कि क्या गिरा है। No sooner had I turned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही मैंने देखा, अभी मैंने उस तरफ मुड़ा ही नहीं था मैं, कि अचानक से मैंने क्या देखा कि स्नेक जो है टेबल जो मेरी चेयर थी पीछे उस पे से होते हुए कहाँ मुड़ गया, मेरे शोल्डर पर आकर बैठ गया। मतलब जैसे ही उसने उस तरफ देखा और स्नेक भी वहां पे उसके शोल्डर पर आ गया, मतलब बिल्कुल दोनों काम साथ साथ में हुए। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माय टर्निंग वर साइमल्टेनियस, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, क्या कह रहा है डॉक्टर कि जो स्नेक का लैंडिंग है, स्नेक का मेरे कंधे पर ऊपर चढ़ना और मेरा मुड़कर देखना, दोनों ही साथ में ही हुए। आई डिडंट जम्प, लेकिन मैंने जंप नहीं किया। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, ना मेरे मुंह से कोई आवाज निकली। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, क्योंकि टाइम ही नहीं था ऐसे काम करने का। जैसे ही वो मेरे कंधे पर आकर बैठा, मैं मुड़ा, मैंने देखा, और मतलब मेरे मुंह से तो कुछ आवाज ही नहीं निकली। द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई शोल्डर एंड क्वाइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे खिसक खिसक कर जो कोबरा था, जो स्नेक था, वो कहाँ मेरे कंधों से खिसक कर कहाँ पे मेरी लेफ्ट आर्म पे आकर कॉइल हो गया। द हेड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, वो कह रहे हैं मेरे फेस से मेरी आर्म पे आकर लिपट गया, तो मेरे फेस और उस कोबरा की फेस की जो दूरी थी लगभग 3 to 4 inches की ही दूरी थी। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सेट हेयर सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, मतलब मेरी तो समझ लो सांसें ही रुक गई। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं बिल्कुल पत्थर सा बन गया, मतलब मैं हिला डुला ही नहीं। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा माइंड तो एक्टिव था, भले ही मैं शरीर से डर के एकदम स्तब्ध हो गया, रुक गया, पत्थर सा बन गया, लेकिन मेरा माइंड तो एक्टिव ही था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर कि मैं तो सिर्फ एक हाड़ मांस का बना हुआ एक इंसान ही रह गया और बिल्कुल ही एक स्टोन की तरह बन गया, सिर्फ एक लैंप जल रहा था और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स,
मतलब उस समय मैंने किसको याद किया, क्या सोचा? सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचा, जो कि पूरी संसार को, पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं। गॉड वॉज देयर। सपोज आई सेट समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट। वो कह रहे हैं मान लो मैंने कुछ कह दिया, क्योंकि स्नेक मेरे हाथों में कॉयल है, हाथ में कॉयल है, तो मैंने कुछ कह दिया, मान लो भगवान को पसंद ना हो, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोला। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। वो कह रहे हैं सिर्फ मैंने अपने दिल के अंदर ऐसा सोच रहा था कि मैं अपने दिल के अंदर अच्छे अक्षरों में, ब्राइट लेटर्स में गॉड लिख रहा हूँ। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म। अब चूंकि इसके लेफ्ट आर्म में वो स्नेक कॉयल था, तो उसको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था उसमें। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर। मान लो वो पिघला हुआ लावे की कोई रॉड उसके हाथ में किसी ने रख दी हो, मतलब गरम गरम लोहे की रॉड किसी ने उसके हाथ में कॉयल कर दी हो, उतना उसको इतना पेन हो रहा था। नो अ रॉड मेड ऑफ मॉल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। मतलब वो धीरे धीरे मेरे हाथ को ऐसा लग रहा था पिघला रही है। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वॉट कुड आई डू। और ऐसा लग रहा था मेरी सारी ताकत जो है जा रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। सेज एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। अब वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ पे थी वो कोबरा लाइक, और इतना ऐसा लग रहा था जैसे आग सी जल रही हो, बहुत गर्म हो, रॉड पड़ी हो मेरे हाथों पे, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा भी मुड़ू तो स्नेक मेरा कुछ भी कर सकता है, मुझे स्ट्राइक कर सकता है। डेथ लर्क्ड 4 inches, लर्क्ड मीन्स हियर हिडन, है ना। डेथ ने लर्क्ड मीन्स हियर हिडन, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे डेथ जो है 4 inch की दूरी पे ही छुपी हुई है। सपोज इट स्ट्रक, वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। मान लो उसने मुझे काट दिया सांप ने, तो मेरे पास क्या मेडिसिन है जो मैं लूंगा। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ। वो कह रहा मेरे पास कोई भी तारा नहीं था, मैं तो बस फीबली यानी कमजोर कमजोर आंखों से ही बस अपने आप पे मुस्कुराने लगा, कमजोर होकर बस मुस्कुराना ही मेरे पास एक चारा बन गया था, बाकी मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो मेरे पास मेडिसिन थी ना कुछ था, तो मैं बेचारा क्या करता। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लगा जैसे भगवान ने बहुत ज्यादा प्रशंसा कर दी हो। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, मान लो भगवान ने मेरी बात सुन ली हो, क्योंकि स्नेक ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया था। इट लुक्ड इनटू द मिरर, क्योंकि अब वो कहाँ देखने लगा था, स्नेक मिरर में, एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। और आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर कि आई डू नॉट क्लेम, मैं ये दावा नहीं कर सकता दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड, कि ये पहला ही स्नेक होगा शायद जिसने अपने आप को मिरर में देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर, लेकिन ये बात पक्की थी कि वो तो अपने आप को मिरर में देख ही रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपने आप को मिरर में देखकर अपनी खुद की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, अपनी प्रशंसा कर रहा था, खुश हो रहा था, या वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था अबाउट ग्रोइंग अ मस्टेज और यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। या वो ये सोच रहा था कि वो क्या करे, कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहा था क्या वो, अब मिरर में अपने आप को देख देख कर कि मैं क्या करूंगा तो और सुंदर दिखूंगा, क्या वो मूछें उगाने की सोच रहा था, या कोई आई शेडो आंखों पर आई शेडो लगाने की सोच रहा था, या मस्करा लगाने की सोच रहा था, या अपने फोरहेड पर, अपने माथे पर सिंदूर लगाने की सोच रहा था, वो क्या सोच रहा था, क्योंकि वो अपने आप को मिरर में देखे ही जा रहा था। अब डॉक्टर कहते हैं आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं हर चीज के बारे में निश्चित नहीं हूँ कि वो क्या कर रहा था, स्नेक क्या सोच रहा था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, मेल है कि फीमेल, मुझे ये भी नहीं पता, वॉज इट मेल और फीमेल। आई विल नेवर नो फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली सिदर्ड इन टू माई लेफ्ट। मुझे इस कुछ भी पता नहीं, बस मुझे ये पता है कि अचानक से वो मेरे हाथ से खिसक खिसक कर कहाँ चला गया, मेरी गोदी में आ गया, और फ्रॉम देयर इट क्रैप्ड ऑन टू टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, और मेरी गोदी में से भी खिसक कर वो कहाँ उस टेबल पर आकर बैठ गया और अपने आप को मिरर में देखने लगा। परहैप्स इट वॉन्टेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स,
डॉक्टर सेज दैट शायद वो अपने आप को बहुत ही क्लोजली देखना चाहता था. इट वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड स्टिल हाइडिंग माई ब्रेथ. आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वेरेंडा. फ्रॉम देयर आई लीप्ड इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ. क्या कह रहे हैं डॉक्टर कि जैसे ही वो मेरे पास से हटकर टेबल पर जाके बैठा तो मैं क्या हो गया, मान लो कि मेरी इमेज अब बदल गई. आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. अब मैं वापस से एक इंसान बन गया जीवित जिसमें कि फ्लैश और ब्लड है. पहले क्या सोच रहा था वो, मान लो एक सिर्फ एक मांस का ही इंसान है, लेकिन अब वो जब स्नेक उसके पास से हट गया तो उसमें जान आ गई और वो अपने आप को एक फ्लैश और ब्लड का इंसान मानता है. और लेकिन फिर भी अभी भी उसको डर है क्योंकि स्नेक अभी भी थोड़ा सा दूरी पर तो है लेकिन अभी भी पास है. वो क्या कह रहे हैं अब कि अब मैंने अपनी सांस रोकी और फटाफट मैं चेयर से उठा और कहां भागा, डोर की तरफ भागा, फिर बरंदा की तरफ भागा और फिर कहां जा गया, आंगन में चला गया और एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ. और अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां से बिल्कुल ही बाहर से बाहर बाहर जाते हुए भाग निकला. यानी सुनाया जा रहा है और क्या कह रहा है, जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैंने क्या लिया, राहत की सांस ली. मतलब फ्यू, बहुत गहरी सांस लेते हुए ये आवाज कर रहा है वो. ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ. ईच ऑफ अस मतलब उसके सामने जो डॉक्टर अपनी कहानी बता रहा है, उसके सामने जो पेशेंट बैठे हैं, मतलब ऐसा भागा है एकदम, उसको कहानी सुना रहा है, सब स्तब्ध हो गए कि स्नेक भी आ गया इसके सामने, सब कुछ हो गया, एकदम से भागा. तो अब सबने राहत की सांस ली, सुनने वाले ने भी और सुनाने वाले ने. समबडी आस्क्ड, अब किसी ने पूछा, तीन चार जो पेशेंट थे उसमें से किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी वाइफ जो है बहुत ज्यादा फैट है. नो द डॉक्टर सेड. डॉक्टर ने क्या कहा, बिल्कुल नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था. माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर. मेरी वाइफ तो कैसी थी, बिल्कुल लुकड़ी सी, बिल्कुल पतली सी ही लेडी थी, क्योंकि मैं तो फैट चाहता था लेकिन मेरी वाइफ तो बिल्कुल ही अपोजिट थी क्योंकि भगवान को कुछ और ही मंजूर था, दुबली पतली लुकड़ी सी थी. समवन एल्स आस्क डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू. जब आप दौड़े, किसी और ने पूछा पेशेंट ने, जब आप दौड़े तो क्या आपके पीछे पीछे स्नेक आया क्या. डॉक्टर रिप्लाइड, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस. मैं इतना दौड़ा थे, दौड़ता ही गया जब तक कि मैं अपने फ्रेंड के घर नहीं पहुंचा. इमीडिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ. जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा, स्मियर का मतलब होता है लगाना, अपनी बॉडी पर लगाना. तो कह रहे मैंने अपनी बॉडी पर क्या लगाया, तेल लगाया एंड टुक अ बाथ, और नहा लिया. आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ, मैंने साफ सुथरे कपड़े पहने. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर. अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, रात को अपने फ्रेंड के यहाँ ही सोया, अगले दिन सुबह उठकर अपने फ्रेंड को लेकर और दो चार लोगों को और वो अपने रूम में गया ताकि वहां से वो सामान ला सके. अब उसे उस रूम में रहना ही नहीं है. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. लेकिन हमने क्या कहा, क्या देखा वहां पे कि बिल्कुल थोड़ी सी चीजें हैं वहां से लाने के लिए. तो सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि शायद कुछ चोर आए होंगे रात को और उन्होंने मेरी सारी चीजें वहां से ले ली. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, पूरा ही रूम साफ हो गया था. बट नॉट रियली, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट. लेकिन सब कुछ तो ले गया चोर, बहुत ही हंसी वाली बात कहते हैं यहाँ पे डॉक्टर, सब कुछ ले गया, पूरा लगभग क्लीन ही था लेकिन सिर्फ एक ही चीज छोड़ गए थे थीफ. क्या चीज छोड़ गए थे, शायद वो मेरी बेइज्जती करने के लिए वो चीज छोड़ गया था. वो क्या थी, उसकी वेस्ट. डॉक्टर क्या कहते हैं जब उसे पेशेंट पूछते हैं, व्हाट वाज दैट, वो क्या चीज थी जो चोर छोड़ गए. आई आस्क्ड द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने जवाब दिया, माय वेस्ट, मेरी बनियान, द डर्टी वन, जो कि थोड़ी सी मटमैली सी गंदी सी थी. द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी चोर जो भी होगा वो साफ सुथरा होगा, यानी वो साफ सुथरी चीजों को ही ले जाने वाला हो गया होगा. द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर. अरे वो बेवकूफ, क्या कहते हैं डॉक्टर, अरे वो बेवकूफ मेरी सब कुछ चीज ले गया तो इसको भी ले जाता, चलो थोड़ी मटमैली थी तो क्या हुआ, उसको धोकर साबुन से अच्छे से करके साफ करके वो पहन सकता था. जब सब कुछ ले गया तो ये छोड़ क्यों गया, क्या मेरी इंसल्ट करने के लिए छोड़ गया. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, अब एक पेशेंट दूसरा पूछता है, क्या आपको नेक्स्ट डे जब आप वहां पे गए थे रूम पर, क्या आपको उस समय स्नेक मिला था, क्या दिखा था. द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसने लगे, आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तब से तो मैंने देखा ही नहीं है आज तक सांप को. इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी. मैं उस स्नेक को ऐसा समझता हूँ कि वो अपनी ब्यूटी को ही
देख रहा था. टेकन विथ मीन्स एडमायरिंग, अट्रैक्टेड बाय. ये एक ऐसा स्नेक था अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जो कि अपनी ब्यूटी से खुद ही अट्रैक्ट हुआ था. यानी वैसा मैंने स्नेक तो आज तक ही नहीं देखा जो खुद की ब्यूटी को से ही अट्रैक्ट होकर टेबल पर बैठ गया था. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दैट चैप्टर. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क, यू मे राइट इन द कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.